सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ तो रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने सब कुछ व्यवस्था कर ली है, सामग्री सजा ली है, निमंत्रण सबको दे दिया है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कि गताम अपि धन लोभेन लोभाकुल तुचते चेतसा। तो निमी राजा वहां से गौतम ऋषि के यहाँ पे आए और गौतम ऋषि से आकर के प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, मैंने आपसे संकल्प लिया है तो आप मुझे यज्ञ करने के लिए आज्ञा प्रदान दें, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और मेरे यज्ञ के आचार्य आप बन जाएं, यज्ञाचार्य आप बने। तो ये दीक्षा लेकर के यज्ञ आरंभ करना चाहता हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा ठीक है राजन, कोई बात नहीं, मैं आपका यज्ञ कराऊंगा, मैं यज्ञाचार्य बनकर के अपनी ही उपस्थिति में यज्ञ कराऊंगा। अब यज्ञ की दीक्षा लेकर के राजा निमि ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ चलते चलते थोड़ा समय हो गया, उसके बाद में कुछ समय के बाद में इंद्र का भी यज्ञ पूरा कर दिया वशिष्ठ जी ने। इंद्र का यज्ञ पूर्ण करने के बाद में अब निमि के यहाँ आए, निमि के देखा तो यज्ञ चल रहा था। तो निमि के यहाँ उस यज्ञशाला में ही वशिष्ठ जी आए। तो जिस समय वशिष्ठ जी आए थे तो उस समय निमि राजा सो रहे थे। अब किसी प्रजा ने, किसी मंत्री ने जाकर के संदेश भी नहीं दिया, न बताया कि वशिष्ठ गुरुदेव आए हैं। अब बहुत विलंब हो गया, निमि राजा नहीं आए। तो वशिष्ठ ऋषि ने क्रोध में आकर के वशिष्ठ मुनि को श्राप दे दिया, यस्मास्त्वं मां गुरुं तुयक्त्वा कृत्वान्यं गुरुमात्मना पतित्वावदं शरीरं ते विदेहो भव भूपते। साप देकर के वशिष्ठ मुनि निकल गए। सेवकों ने निमि राजा को जगा करके सारा वृत्तांत बताया, महाराज आपके गुरु आए थे और गुरुदेव ने आपको साप दे दिया। अब निमि राजा विचार करने लगे कि मैं निरपराधी हूं, मैंने कोई अपराध भी नहीं किया और यज्ञ के लिए मैंने गुरुदेव से पहले याचना की और वो मुझे छोड़कर के चले गए। अब मैंने ऐसा कोई अपराध भी नहीं किया लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे साप दे दिया। तो निमि राजा ने भी कहा कि मैं भी अपने यज्ञ के तप के बल के आधार पर मैं भी आपको श्राप देता हूं। कि व्रथा क्रोधो वपरीतेन मई साप प्रजापति त्वापि चापतत्वध्य देहो अयम क्रोध संयुक्ता। निमि ने कहा कि वशिष्ठ जी, आपको अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान है, जाओ मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका ज्ञान और आपका देह नष्ट हो जाए। ये भी श्राप दे दिया। अब ये श्राप की बातें जब सुनी वशिष्ठ जी ने तो वशिष्ठ जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास आए, ब्रह्मा जी से सारी बात बताई कि पिताजी मैंने उनको श्राप दिया, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, अब मेरा कहीं ज्ञान नष्ट ना हो जाए उसके लिए मैं क्या करूं, कोई उपाय बताइए, कोई तरकीब बताइए। इधर राजा निमि भी माया के वशीभूत हो गए और गुरुदेव वशिष्ठ भी माया के वशीभूत हो गए। दोनों माया के वशीभूत होने के कारण से एक दूसरे को श्राप दे दिया, क्योंकि माया क्या नहीं करवाती है, ये माया अगर बुद्धि पे बैठ जाया करके तो सब कुछ करवा देती है। तो तुरंत उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि आप चिंता न करें और
अपने खिन्न अवस्था को त्याग दे, जैसा मैं कहूं वैसा आप करिए। कि मित्रावरणस्योस्ते जस्त्वं प्रविश्यस्तरो भवा तस्मादयो निजा काले भावितां त्वं न संशय। वशिष्ठ जी से कहा ब्रह्मा जी ने, हे पुत्र तुम डरो मत, तुम्हारा ज्ञान सुरक्षित रहेगा, आप बिल्कुल भयभीत मत होइए और जाओ मित्र वरुण के अंश में प्रविष्ट हो जाओ। समय आ जाने पर तुम अयोनिज होकर के जन्म लेंगे और तुम्हारा ज्ञान उनके शरीर के आवे शरीर के अंश में आकर के स्थिर रहेगा, नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान नष्ट हो जाए तो व्यक्ति मूर्ख जैसा बन जाता है। जब विवेक ही नहीं है, कोई सूझबूझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पागल जैसी वृत्ति हो जाएगी। तो पिताजी की आज्ञा लेकर के वशिष्ठ मुनि उनके मित्र वरुण के आश्रम में आ गए और वहां उन्होंने अपना सूक्ष्म अंश से अपना जो अंश था शरीर का वो वरुण जी के शरीर में स्थापित कर दिया, शरीर में प्रविष्ट कर दिया और अपना शरीर उन्होंने त्याग दिया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।